अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कैरेट केक, तो उसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें आए बनाते हैं कैरेट केक। हमें चाहिए 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर, मेरे पास प्लेन फ्लावर भी है और इसमें भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है सेल्फ रेजिंग फ्लावर, तो आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास अगर ये थोड़ा पड़ गया तो मैं उसमें से भी यूज़ कर लूँगी इस केक में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए मैं जल्दी से 2 कप्स फ्लावर में डालती हूँ। ये है मेरे मेजरिंग स्पूंस, तो मैं यही यूज़ करती हूँ जब बेकिंग करती हूँ, क्योंकि अगर आपकी मेजरमेंट ठीक नहीं है तो आपका केक जिस तरह का आप टेक्स्चर चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यूज़ करें अपने मेजरिंग स्पूंस और मेजरिंग कप्स, जिससे आपका परफेक्ट केक जो है वो रेडी होके आएगा इंशाल्लाह। ओके, तो ये है मेरा हाफ कप। मेरा 1 कप पता नहीं कहाँ पे चला गया है, तो मैं अभी जो है हाफ कप की मदद से ही वो यूज़ करूँगी। तो मेक श्योर इट्स ऑल लेवल्ड। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा आ गया है फ्लावर, और उसके बाद जाएगा बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट सोडा, तो चलें वो भी डालते हैं दोनों। ओके, तो ये रहा हमारे पास बाइकार्बोनेट सोडा, तो इसका जाएगा 1 टीस्पून। लेवल लेवल। और उसके बाद जाएगा हमारे पास बेकिंग सोडा, ये रहा लेवल्ड। और ये मेरे पास है एक छोटा सा शेफ जो मेरी हेल्प कर रहा है केक बनाने में। यस, केक। यस, वी आर मेकिंग केक। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा ग्राउंड 1/2 टीस्पून ग्राउंड सिनेमन, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे पड़ा है। किधर गया है हिशाम मेरा ग्राउंड सिनेमन? यस, हियर इज आवर ग्राउंड सिनेमन। तो चलें इसको भी डालते हैं। ये है 1/2 टीस्पून ग्राउंड सिनेमन। यस। ओह यस, यू पुट हियर। यस यस, हिशाम इज हियर टू गिव मी अ कंपनी। या ओके, नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा हिशाम? लेट्स मेक अ क्रंच केक। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, वी नीड सॉल्ट नाउ। ओके, लेवल्ड लेवल्ड सॉल्ट सॉल्ट 1/2 टीस्पून। ओके, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर। ओके, 1/2 टीस्पून नटमेग। ओके, तो ये है हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसको वेल कंबाइंड ऐसे कर लेंगे, फिर हम बनाएंगे अपनी वेट इंग्रेडिएंट्स। मम्मा, इट्स माय टर्न, इट्स माय टर्न। यू वांट टू टेक अ टर्न? नो, इट्स माय टर्न। ओके, आप करें। There you go. Well done, Hisham. Well done. There you go. देखिए कितना happy हो रहा है। इधर देखिए, show me your smiley face. Okay. अच्छा, तो यहाँ पे ये देखिए क्यूटू सा ये हिशाम है। जब वो 1 ईयर का था तो उसने केक स्मैश किया था। अच्छा, आप भी कहते होंगे कि ये वीडियो कहाँ से आ गया, मैं बना केक रही थी और ये वीडियो अंदर आ गया। तो वो इस तरह कुछ हुआ कि मेरा फ़ोन अक्सर बच्चों के पास होता है, तो वो मेरा उन्होंने ना अंदर से एक फ़ाइल वो डिलीट कर दी थी। बहुत कोशिश किया, रिसाइकल बिन तक मैंने देखे हैं, जो मेरी स्टोरेज स्पेस थी उसमें भी देखे हैं, पता नहीं कहाँ पर चला गया वो वीडियो जिसमें मैंने वेट इन्ग्रीडियंट्स मिक्स किए थे, तो वो बिल्कुल नहीं मुझे मिली। सॉरी अबाउट दैट। और उसके अंदर जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे उसमें आपने डालनी है 4 eggs, आपने डालना है 2 cups जो है वो डार्क ब्राउन शुगर, और 1 cup जो है वो ग्रैन्यूलेटेड शुगर, वाइट शुगर जो है वो आपने डालनी है। उसके अंदर 1 teaspoon वनीला एसेंस डालना है, और आपने डालना है 1.5 cup जो है वेजिटेबल ऑयल, कोई सा भी ऑयल। और जब वो मिक्स अच्छी तरह से आपने बीट कर ली, तो उसको फिर जो आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उसके अंदर आपने डालना है, फिर साथ ही आपने रेजन्स डालने हैं वो डालने, 4 कैरेट्स थे जो ग्रेट करके मैंने रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल लिए हैं। तो बस आप फिर इसको रखेंगे ओवन के अंदर। और रखा है हमने 180 डिग्रीज पे, इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था, जो था अराउंड 20 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया था। तो मेक श्योर इसको प्री हीट ज़रूर करें अगर आप बेस्ट केक चाहते हैं। ओके, तो ये जो है ना यहाँ पे हमारा केक मुझे लग रहा था कि रेडी हो के आ चुका है, तो मैं ये यूज़ करूँगी टूथपिक टू चेक के अगर ये क्लीन आया तो फिर दैट मीन्स कि ये रेडी है।
तो बिल्कुल क्लीन जो है टूथपिक निकल रहा है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि अभी कुक नहीं हुआ। देखिए कितना क्लीन है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है, अगर आपका केक भी जो है आपको लगे कि रेडी, श्योर नहीं है कि रेडी है या नहीं है, तो आप टूथपिक की मदद से उसको चेक कर सकते हैं कि आपका केक रेडी है या नहीं। अगर वो क्लीन आएगा तो दैट मीन्स कि आपका केक जो है परफेक्टली रेडी है। और देखिए कलर कितना प्यारा आया है इसका। तो अब मैं और ज़्यादा इसको जो है नहीं रखूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चल अब इसको कूल होने के लिए मैं छोड़ दूंगी, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इस ट्रे में से इसको रिमूव करके इसके ऊपर जो है वो आइसिंग लगानी है, या फिर आपने कुछ भी नहीं लगाना, सर्व कर सकते हैं एज इट इज़। तो मेरे पास जो है, कल मैंने अपने हस्बैंड को बेक करके दिया था ऑफिस के लिए, उनका कंपटीशन चल रहा था, तो वो इस वक्त वो ही हैं जो अभी फर्स्ट पोजीशन पे हैं कि इतना अच्छा वो केक बना था। और उसकी आइसिंग जो है अभी तक बनी पड़ी है, चीज़ क्रीम चीज़ की और विप्ड क्रीम डबल क्रीम की, तो वही मैं यूज़ करूँगी। मुझे ज़्यादा ये भी था, मैंने इसलिए बनाया सेकेंड डे पर भी, क्योंकि क्रीम जो है वो वेस्ट हो जानी थी, तो वो यूटिलाइज हो जाएगी अब, और मैं जो है अपने नेबर्स के अंदर भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। अच्छा जी, ये है हमारा एंड रिज़ल्ट, कितना अच्छा लग रहा है, और ये यकीन करें खाने में भी इतना ही मज़े का होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए रानिया आ गई, अब रानिया इसको खाएगी, यम 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 यम। और ये जो है अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो जो हमारे नेबर्स हैं उनमें रानिया और हाशिर दे के आएंगे उनको, है ना रानिया और हाशिर, है ना, वन पीस टू सेबास्टियन। हाँ अच्छा जी, ये है हमारा एंड रिज़ल्ट, कितना अच्छा लग रहा है, और ये यकीन करें खाने में भी इतना ही मज़े का होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा तो जिस जिसने भी ये केक खाया था उन सब ने मुझे स्पेशल थैंक्स बोला है कि उन्हें बहुत पसंद आया। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।